OnePlus 5 स्मार्टफोन को रिलीज हुए 6 महीने हो चुके हैं और अब जो रूमर्स और लीक्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं OnePlus 5T के। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको OnePlus 5T की क्या स्पेसिफिकेशन होती है, इसकी क्या प्राइसिंग हो सकती है और OnePlus 5T मार्केट में कब तक आ सकता है। हे गाइस, मैं उत्सव हूँ एंड वेलकम टू यू टेक। जो OnePlus 5T के जो लीक्स आ रहे उनसे ये पता चलता है कि जो OnePlus 5T होगा वो पूरी की पूरी OnePlus 5 की ही बॉडी में होगा, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होंगे। जैसे कि आपको एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां OnePlus 5 में आपको 5.5 इंच का स्क्रीन देखने को मिलता था, वहीं 5T के अंदर आपको 5.7 इंच या हो सकता है 5.9 इंच का डिस्प्ले देखने को मिले। और जो 5 के अंदर आपको 16:9 का रेशो का डिस्प्ले में देखने को मिलता था, वहीं आपको 18:9 एस्पेक्ट रेशो का डिस्प्ले देखने को मिले, जिस तरीके से आपको LG G6 में देखने को मिला था, यानी कि नॉर्मल से एक लंबा वाला डिस्प्ले। इस डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन होगा वो होगा फुल HD प्लस, यानी कि 2160x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन। और जो डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी होगी वो होगी एमोलेड स्क्रीन, यानी कि आपको कंट्रास्ट रेशियो और जो ब्लैक्स होंगे वो काफी अच्छे से दिखाई देंगे। और जो बेजल्स होंगी ऊपर और नीचे की वो काफी थिन हो जाएंगी और जो साइड्स की जो बेजल होंगी ना वो लगभग ना के बराबर होंगी। और ओवरऑल देखा जाए तो सेम बॉडी में होगा जो OnePlus की है, ऊपर नीचे कम बेजल हो जाएंगी, लेकिन जहां OnePlus 5 में आपको सामने की तरफ फ्रंट में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता था, वहीं इस बार OnePlus 5T के अंदर आपको यही फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे की तरफ चले जाएगा। और हां, इसमें आपको कोई भी टच टाइप कैपेसिटिव बटन्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि जो बेजल छोटे जाएंगे उसके अंदर ना कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर ना ही कोई बटन होंगे, और जितने भी बटन्स होंगे वो सारे सॉफ्टवेयर वाले होंगे, और जो पीछे का हिस्सा है वो पूरी तरह से मेटलिक होगा। और एक और चेंज होगा इस फोन के अंदर आपको बैटरी का। OnePlus 5T के अंदर आपको 3500mAh से लेकर 3600mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और ये बैटरी डैश चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और OnePlus 5T का जो वेट होगा वो उतना ही होगा जितना शायद OnePlus 5 का था, थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। चलिए अब कैमरा की बात करते हैं। तो कैमरा जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा पीछे का कैमरा जैसा आपको OnePlus 5 में देखने को मिलता था, यानी कि 16 मेगापिक्सल का f1.7 का अपर्चर और 20 मेगापिक्सल का f2.6 का अपर्चर देखने को मिलेगा। लेकिन एक रूमर ये आ रहा है कि फ्रंट में आपको कैमरा चेंज हो सकता है, यानी कि फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की कैमरा f1.6 के अपर्चर के साथ देखने को मिल सकता है और सेल्फी कैमरा में आपको पोर्ट्रेट सेल्फी का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि फ्रंट में आपको डुअल कैमरास देखने को मिलेंगे या सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा। तो वो देखने वाली बात होगी कि फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट सेल्फी किस तरीके से ले पाता है। और पोर्ट्रेट सेल्फी ऐसी ही होती है जैसा आपको बैकग्राउंड ब्लर DSLR से लगता है, तो हो सकता है जब आप इससे फोटोग्राफ या सेल्फी क्लिक करें तो ऐसा लगे कि ये सेल्फी DSLR से ली गई है। और जो इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो एग्जैक्टली सेम होंगी OnePlus 5 से, जैसे कि आपको OnePlus 5T के अंदर भी Snapdragon 835 देखने को मिलेगा, ये भी 6GB RAM और 64GB के स्टोरेज के साथ आएगा और 8GB RAM और 128GB का वर्जन भी अवेलेबल होगा। और हाँ, ये ऑक्सीजन OS पे चलेगा जो OnePlus का खुद का बनाया हुआ OS है। और एक रूमर ये भी आ रहा है कि इसके अंदर आपको एंड्रॉइड का 8.0 ओरियो पहले से ही देखने को मिलेगा। तो हाँ, अगर ऐसा होता है तो काफी अच्छी बात होगी कि आपको इसके अंदर एंड्रॉइड ओरियो पहले से डला हुआ मिलेगा, लेकिन ये एक रूमर है अभी भी। ये फोन लॉन्च हो सकता है मिड नवंबर में और इसकी जो सेल स्टार्ट होगी वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी और ये अमेजन एक्सक्लूसिव फोन होगा। और इसकी जो प्राइसिंग होगी 6GB रैम 64GB वाले की US में प्राइसिंग हो सकती है $549। अगर मैं इंडिया की प्राइसिंग की बात करूं तो ये हो सकती है 35,000 से लेकर 36,000 रुपीज तक। वहीं जो 8GB रैम 128GB वाला वेरियंट होगा उसकी प्राइसिंग हो सकती है 40,000 से लेकर 41,000 के अराउंड। तो ये जितने भी लीक्स और रूमर्स थे ये सब उनका कंपाइलेशन था और इनमें से कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, तो इन्हें थोड़ा जरा ध्यान से लेना। और आप लोग क्या सोचते हो OnePlus 5T के बारे में मुझे नीचे कमेंट में बताओ। और आप क्या इंटरेस्टेड हो OnePlus 5T में, या अगर आपने OnePlus 5 ले चुके हो और OnePlus 5T या OnePlus लॉन्च करने वाली है तो क्या आप गुस्सा हो क्या OnePlus से, मुझे नीचे कमेंट में बताओ। ये वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी अगले वीडियो में। सत्यमेव जयते।